जी देखिए, लंच के लिए हम होटल में एक डाइनिंग हॉल है, इधर हम लोग आए हैं, अभी देखता हूँ, ये देखिए ऐसे बैठे लोग, देखता हूँ अभी मुझे कहाँ जगह मिलती है, मुझे जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठता हूँ। हाँ ओके, अभी खाना खाने के बाद फिर शुरू करता हूँ। ओके ये देखिए दोस्तों, होटल से तो हम लोग निकल गए, मीना बाजार में है। ये देखिए स्ट्रेट आ गए यहाँ तक, ये ऐसा मीना बाजार है, बहुत सारी दुकान है यहाँ पर। एक क्यों ऐसा बोला जाता है मालूम नहीं मुझे, मीना बाजार तो बोला जाता है इसको, मुझे तो कुछ खरीदारी नहीं करनी है। मुझे जो भी खरीदना था मैंने खरीद लिया है। हाँ क्या खरीदा इतना ज़्यादा, ये अरब का ड्रेस तो आपको मालूम हो गया, और कुछ चीज़ें मैंने खरीदी, टी शर्ट थे उसमें, बाकी कुछ खरीदारी नहीं हुई। थोड़ा डीएम है मेरे पास, अभी देखता हूँ कुछ अच्छा लगे तो कुछ खरीद लूँगा, नहीं तो वैसे ही देखते हैं। अभी मुझे तो क्या, बाकी सब चीज़ें मुंबई में मिलती ही है, लेकिन यहाँ से जाते समय कुछ लेके जाने का। ओके देखते हैं, अभी मीना बाजार तो आपको दिखाई दे रहा है, पीछे मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है सब मीना बाजार ही है। अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग वस्तुएँ के, जरूर इधर आइए। दुबई, हाँ दुबई का उत्तर वो दुबई बाई करते, दुबई क्या मालूम ऐसा क्यों, हर एक चीज़ को कारण पूछते नहीं जा सकते। गर्मी है, एसी से बाहर आने के बाद हाँ समझ में आता है कि एसी में नहीं है। आगे का मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों आपका नानू, मीना बाजार गुरु दुबई जो एरिया है उसके मीना बाजार में घूम रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों इस वक्त मैं ऐसे एरिया में आ गया हूँ दुबई के, जहाँ पर जेबीआर बीच है और फ्लाइंग कप ऐसा बोला जाता है, वो बाद में थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा। ये देखिए ऊंची ऊंची इमारतें आपको दिखाई दे रही, मुझे तो हीरानंदानी में जो ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें हैं ना उसी की याद आ गई। ये जो एरिया यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें जो है एक ही कलर दिखाई देता है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि एक ही कलर क्यों है, दूसरे कलर भी है दिए गए है, हाँ रंग बिरंगी ऐसी इमारतें नहीं है, यहाँ पर कुछ विशेष कारण है उसका कि एक ही कलर क्यों दिया जाता है, कभी बाद में बताऊंगा आपको। ये देखिए बीच ऐसा लिखा, दी बीच लिखा है ना, ये जो बीच है ये देखिए गदरे साहब फोटो खिंचवा रहे हैं, अच्छा लगता है ना। ये अरब का ड्रेस पहनकर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा ड्रेस पहना, और बहुत सारे लोग आके कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, यदि आपने मराठी भाषा ना बोलते तो हम लोग तो आपको अरब ही समझ रहे थे, आप तो महाराष्ट्रियन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छा लगा, आप जरूर यहाँ आइए, आप भी अरब का ड्रेस पहनिए, हाँ क्या है उसमें, क्या है प्रॉब्लम है, अरे ड्रेस पहनना को कोई, हाँ कोई भी पहन सकता है, लेकिन हमारे इस ग्रुप में ट्रैवल ग्रुप में सिर्फ मैंने ही ऐसा ड्रेस खरीदा और पहना। और मीना बाजार में कुछ टी शर्ट्स खरीदे, एक दो ट्राउजर्स खरीदे, एक जो ट्राउजर मैंने खरीदा है, ट्राउजर नहीं टी शर्ट आई लव दुबई, वो मैं कल पहन के वापसी का सफर शुरू करने वाला हूँ। ओके वो दिखाई देगा आप लोगों को। अभी ये देखिए अरब का ड्रेस में नानू कैसे दिखाई देता है, शेख नरेंद्र सुल्तान। चलो मुझे हंसी आने लगी, आप भी हंसी है, हंसते रहिए, आनंदी रहिए, खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। ओके अभी मैं नज़दीक जा रहा हूँ जेबीआर बीच के, और जेबीआर बीच ये देखिए नार्वेकर साहब और मैडम नार्वेकर आ गया है, वो अभी नीचे उतर के, नार्वेकर साहब 80 साल के हैं, ही इज़ द यंगेस्ट पर्सन इन आवर ग्रुप, बहुत उत्साही है,
मुझे बहुत इनकरेज करते हैं ये दिखे, ये लोग जो खड़े हैं ना चाय पीने के लिए, कॉफी या चाय पीने के लिए खड़े हैं, अभी आपको दिखाई देगा ये दिखे, बीच दिखाई दे रहा है, समुन्द्र दिखाई दे रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दे रही है। गौड़ी कलर किसी को ऐसा भड़क कलर बोलते हैं ना, किसी भी बिल्डिंग को दिया गया नहीं है। ये देखिए फ्लाइंग कप, देखिए दोस्तों फ्लाइंग सॉसर में, फ्लाइंग सॉसर ने ये फ्लाइंग कप में तो हम सब लोग बैठ गए, सब लोग ऑलमोस्ट ऑल लोग दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आपका नानू व्हील है, देखिए आपके मेरे पीछे व्हील दिखाई दे रहे हैं, गोल गोल घूमता है ना ऊपर से नीचे ऐसा, वो भी दिखाई दिया। समुंदर है, समुंदर दिखाई, आप जैसे ऊपर ऊपर हम लोग जाएंगे फ्लाइंग कप से सब दिखाई दे, ये देखिए समुंदर में, समुंदर किनारा, समुंदर किनारे पे लोग, समुंदर किनारे पे जो लोग है वो समुंदर में अंदर भी गए, ये देखिए हैं, कुछ लोग समुंदर में जाके समुंदर स्नान भी कर रहे, कुछ लोग ऐसे ही घूम के आते समुंदर में। ये देखिए ऊपर ऊपर जाने से, अरे वो गोल गोल घूमता है हम, ऐसा मतलब मुझे तो लगता है एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, ऐसा ही लगता है मुझे, ऊपर ऊपर जाने से सब छोटा छोटा दिखाई देता है। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, जब आप यहाँ दुबई में आएंगे JBR बीच, और ये जो बीच है ना इसका नाम JBR बीच ऐसा है, JBR बीच पे आने का, ये देखिए ऊपर जा रहा है ना वो दिखाई दे रहा है सामने, मेरे सामने वो देखिए ऊपर ऊपर लेके जा रहा है ना वो दिखाई दे रहा है, हाँ ये देखिए बीच, हाँ बीच देखिए JBR बीच, ओके पीछे कैसा है ये भी दिखाई देगा वो, ये देखिए कैसे दिखाई, ये देखिए मेरे पीछे कैसा, आगे कैसा है, पीछे कैसा है, सब दिखाई देता है। समुद्र स्नान करके लोग यहाँ पे आके आराम करते हैं ना, वो बेड्स किनारे दिखाई दे रहे छोटे छोटे। ये देखिए हमारे ग्रुप, ये जो ग्रुप है हमारा ट्रैवल ग्रुप, ये देखिए गदरे मैडम फोटो खींच रही है, शूटिंग कर रही है। कैसे लगा आप लोगों को, ओके देखिए दोस्तों आपका नानू तो फ्लाइंग कप में तो बैठ गया, अभी आस्ते आस्ते ऊपर ऊपर जा रहा है फ्लाइंग कप, आपको ये नज़ारा दिखे। ये देखिए सब लोग हमारे ग्रुप के, कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, कुछ लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं, कितने आनंदी है। ये देखिए एक ही कलर की इमारतें आपको दिखाई दे रहे, कहीं भी आपको भड़क कलर या गौड़ी कलर दिखाई नहीं देता, ऐसी इमारतों को रंग दिया गया है। लेकिन कहीं पे कलरफुल इमारतें जो है वो कैसी दिखाई देती है, ये दिखे है ना, हाँ कलर वाली है वो भी फेंट, मतलब आँखों को अच्छा लगे ऐसा ही कलर वो है, हाँ ग्लास लगाए गए हैं। ये देखिए ये समुंदर किनारा और किनारे के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, और आपका नानू भी आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ओके। देखिए दोस्तों अभी फ्लाइंग कप तो आस्ते आस्ते घूमते घूमते नीचे नीचे आ रहा है, ये देखिए वो दिखाई दिया आपको सीशोर, JBR बीच, ये देखिए अभी ये बीच पीछे दिखाई दे रहा है मेरे साथ, ये देखिए मातरे साहब थोड़ा सा वो भी दिखाई दे रहे हैं। अभी शूटिंग कैसे करने का मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, फिर भी मेरी ट्राई है, वो देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके, ये देखिए अभी वो भी शूटिंग, ये देखिए हाँ समुंदर किनारे लोग, समुद्र स्नान करने वाले लोग, समुंदर में अंदर जाके घूम कर आने वाले लोग, हाँ सब दिखाई दे रहा है। ये JBR बीच आस्ते आस्ते नीचे नीचे ये देखिए नीचे नीचे आ रहे हैं ना ऐसे, ये देखिए नीचे नीचे, हाँ सब बड़ा बड़ा दिखा आ गया नीचे। ये देखिए जोशी और उनकी बेटी, ये जो है ना ये देखिए उधर कौन बैठे हैं, ऐसे मुझे ऐसा लगता है रामदास जी साहब है उधर,
लोग सब दिखाई, ये देखिए बीच हुँ? बीच पर इतना ही शूटिंग किया मैंने, अंदर तो नहीं जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा, बस इतना ही है। ओके दोस्तों, अब हम सब लोग मिलकर हिंदू टेंपल जा रहे हैं। दुबई में एक हिंदू टेंपल भी है, शिव टेंपल ऐसा उसको बोला जाता है, और आज अनंत चतुर्दशी है। देखते हैं कैसे दर्शन वगैरह होता है। ये जो दुबई में जो हिंदू टेंपल है, शिव टेंपल, श्री शंकर जी शिवलिंग टेंपल, इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के महाराजा जो है, मतलब जो प्रेसिडेंट है, वो आए थे उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। ये मंदिर देखने के लिए हम सब लोग अभी जा रहे हैं। देखते हैं अभी कैसा दर्शन वगैरह, उधर भी एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। ओके।